नहीं कामाई सूर्या की चमक, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया अक्षर पटेल का नाम। अर्श फर्श पर आए अर्शदीप, अन्नाड़ियों की तरह मैदान पर खूब गिराए गेंद। श्रीलंका की टीम ने टीम इंडिया के युवा गेंदबाजों की जमकर की कुटाई, जीत कर हार गई टीम इंडिया। मैच के दौरान खूब भेजा कप्तान पांड्या ने खिलाड़ियों को संदेश, मावी की बल्लेबाजी से हैरान थे लोग। श्रीलंका के साथ टीम इंडिया का हुआ मुकाबला बेहद रोचक रहा, लेकिन इस मुकाबले में आईपीएल के स्टारों ने अपनी फजीहत करा ली। साथ ही युवा गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उससे ये साफ हो गया कि इन खिलाड़ियों को पहले घरेलू मैचों में खूब रगड़ने की जरूरत है, तब जाकर ये इंटरनेशनल मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बात को हम नहीं बल्कि कॉमेंटेटर गौतम गंभीर ने अर्शदीप को लेकर कही। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मैच के दौरान क्या क्या हुआ, उससे पहले आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया की में सबसे बड़ा विलन कौन था। क्या भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी करके अन्नाड़ी जैसा प्रदर्शन किया? भारत को श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 16 रनों से हार मिली। पुणे में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ और श्रीलंका ने 206 रन बना दिए। इसके जवाब में टीम इंडिया लगातार विकेट खोती चली गई। 57 रनों पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने 91 रनों की साझेदारी बनाई। 157 के स्कोर पर सूर्य आउट हो गए। शिवम मावी ने अक्षर पटेल का साथ निभाया, लेकिन अंत में भारत मुकाबला हार गया। टीम 8 विकेट पर 190 रन ही बना पाई। श्रीलंका की जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस और निसंका ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। अर्शदीप ने दूसरे ओवर में लगातार 3 नो बॉल फेंके, जिसमें मेंडिस ने 19 रन जुटाए। इसके बाद उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा। मेंडिस ने उमरान पर छक्के के साथ 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। युजवेंद्र चहल ने 9वें ओवर में मेंडिस को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। मेंडिस ने 31 गेंदों पर 51 रन बनाए। अगले ओवर में भानुका राजपक्षे भी उमरान की गेंदों को विकेट पर खेलकर पवेलियन लौट गए। निसंका 35 गेंद पर 33 रन बनाकर अक्षर का शिकार बने। चरित असलंका ने मावी पर छक्के के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन अगले ओवर में भानुका राजपक्षे भी उमरान की गेंद को विकेटों पर खेलकर पवेलियन लौटे। निसंका 35 गेंद पर 33 रन बनाकर अक्षर का शिकार बने। चरित असलंका ने मावी पर छक्के के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन अगले ओवर में धनंजय डिसिल्वा ने अक्षर की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर दीपक हुडा को कैच थमा दिया। 17वें ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 147 रन था। आखिरी 3 ओवर में उनके बल्लेबाजों ने 59 रन ठोक दिए। 20 गेंदों पर 50 लगाने वाले शनाका ने 22 गेंदों में 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से नाबाद 56 रनों की पारी खेली। उनकी पारी से टीम 200 रनों के पार पहुंच गई। भारत की ओर से उमरान मलिक सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 48 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल ने 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। शिवम मावी ने 4 ओवर में 53 रन, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 37 रन लुटाए। भारतीय गेंदबाजी में अनुशासन की कमी थी, जो इससे जाहिर होता है कि टीम ने 7 नो बॉल और 4 वाइड बॉल फेंकी। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के टॉप 3 बल्लेबाज 21 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन ने 2, जबकि शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने 5-5 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या 12 और दीपक हुडा सिर्फ 9 रन ही बना पाए, यानी कोई खास कमाल नहीं कर पाए। 57 के स्कोर पर टीम इंडिया के आधे बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने पारी संभाली। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद शिवम मावी और अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम इंडिया को मझधार में छोड़कर अक्षर पटेल चलते बने और गेंदें कम पड़ गई और इस तरह से टीम इंडिया हार गई।